नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। चंडीगढ़ टूरिज्म विभाग हर साल होने वाले 3 दिवसीय चंडीगढ़ कार्निवाल इस बार 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। कोरोना की वजह से चंडीगढ़ कार्निवाल का 2 साल से आयोजन नहीं हो पाया था। 3 दिन तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार के चंडीगढ़ कार्निवाल की थीम है अपना शहर अपना जश्न। हर साल होने वाले चंडीगढ़ कार्निवाल की शुरुआत कार्निवाल परेड से होगी, जिसमें आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स की ओर से तैयार की गई फ्लोटिंग रिक्शा पर लोग सैर कर सकेंगे। इसके अलावा इस बार ये कार्निवाल सिर्फ सेक्टर 10 के लेजर वैली में ही नहीं होगा, बल्कि कई सारे इवेंट्स चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टर में आयोजित किए जाएंगे। हर रोज रात को सेलिब्रिटी नाइट्स होगी। 2 दिसंबर को पंजाबी गायक हरजीत रहरमन, 3 दिसंबर को बबल राय और जस्सी गिल और 4 दिसंबर को बॉलीवुड नाइट होगी, जिसमें मशहूर गायक शान की प्रस्तुति करेंगे। अच्छा, मैं इंग्लिश फिर पंजाबी फिर हिंदी दोनों कर देता हूँ, तीनों में कर देता हूँ, मिक्स कर दूँ जैसे आप चाहो। वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज अबाउट अपकमिंग इवेंट्स इन चंडीगढ़। सो फर्स्ट इवेंट दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग इज द चंडीगढ़ कार्निवल दैट विल टेक प्लेस ऑन 2nd, 3rd, and 4th December। एंड सेकेंड इवेंट इज द क्रिसेंथमम शो, जो भी ये भी हमारी एनुअल इवेंट ही है। दिस विल बी डन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड दिस विल हैपन ऑन 9th and 10th of December। देन चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल दैट विल टेक प्लेस ऑन 16th, 17th and 18th। देन ऑफ कोर्स द न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑन 30th or 31st of December। डिटेल मुझे लगता है कि आपको पहले दे ही दिया गया है, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो चंडीगढ़ कार्निवल है, इसका इनॉग्रेशन हम लोग सुबह करेंगे 11 बजे ऑन 2nd, एंड दिस विल हैपन ऑन ओपन ग्राउंड अपोजिट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी सेक्टर 10। एंड देन दिस विल बी फॉलोड बाय डे लॉन्ग एक्टिविटीज एट द सेम लोकेशन। एंड सिमिलरली हमारा जो सेक्टर 42 का लेक है, उस पर भी डे लॉन्ग इवेंट का शेड्यूल बना रहे हैं ये लोग। आई थिंक दैट विल आल्सो बी सब्सिक्वेंटली रिलीज्ड। और देर विल बी देन इवनिंग प्रोग्राम, फोक डांसेस, परफॉर्मेंस बाय डिफरेंट आर्टिस्ट दैट विल अगेन हैपन ऑन आर्ट गैलरी सेक्टर 10। On 3rd, again, it will start with the morning raga at Botanical Garden. Then there is a day-long activities at Open Ground at Sector 10. And again, evening and the day-long activity at New Lake, Sector 42. And evening performances by Punjabi Musical Evening. That's again at Museum Art Gallery, Sector 10. On 4th December, morning raga again at Sukhna Lake. And then day-long activities at Sector 10 Art Gallery Museum, and then again New Lake Sector 42, again day long activities, and evening mein there is a Bollywood musical evening sham at Sector 10 Art Gallery Museum. So this is the broad outline and detail I think has already been given. You want to add something to that? If we can weave in something of that sort within the carnival act itself, we can examine that. Right. This is Sanjay from the Voice of Chandigarh. And my question is that tourism is the engine of any country. Growth. Any and every country, every city, every state. Right. So how we are going to bring Chandigarh on the map of the tourism in the times to come, and how this carnival this year is going to be different from the previous one? You want to take that? चलो रोल है जी। सर, ये जो चंडीगढ़ में 3 दिन का डे फेस्टिवल हो रहा है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी और कितना टूरिज्म को बढ़ावा? ये जो चंडीगढ़ हमारा कार्निवल है, ये एनुअल इवेंट है और इसमें हम लोग 2nd, 3rd और 4th को ये इवेंट्स होंगी।
और ये सेकंड को इनॉग्रेट किया जाएगा, उसमें सेक्टर 42 में और सेक्टर 10 की आर्ट गैलरी म्यूजियम जो है वहाँ पे ज़्यादातर इवेंट की जा रही हैं, उसकी मैंने डिटेल ऑलरेडी आपको आपके साथ शेयर कर दी मैंने। ये इसमें क्या क्या अट्रैक्शन होंगी थोड़ा सा ब्रीफ तो एक तो बता। डिफरेंट एक्टिविटीज आर देयर, आई मीन म्यूजिकल प्रोग्राम्स, नाटक एंड यू नो डिफरेंट डिटेल्स आर हैव बीन गिवन टू यू, तो पूरा शेड्यूल उसका बना के आपको दे दिया। काफी साल से हो रहा है ये, इससे टूरिज्म में फायदा होता है चंडीगढ़ को जिससे। बिल्कुल, चंडीगढ़ का एक ये हमारी चंडीगढ़ को शोकेस करने का एक ये इवेंट है और ये 2 साल के बाद एक फुल फ्लेज तरीके की तरह से किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसको देखने आएंगे। तो फॉरेन के टूरिज्म भी आने की उम्मीद है सर? कोरोना की वजह नाल नहीं हो पाया ते हुणे पूरी फुल फॉर्म दे नाल हुण सर हर साल होया करेगा ते वक्रा की बिल्कुल बिल्कुल हर साल होएगा और पूरा इनोवेट करेंगे क्या कड़ी-कड़ियां डिफरेंट इवेंट हो कितनी जा सकती हैं वो ऑलरेडी मैं टूरिज्म। चंडीगढ़ इज ए टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा, मतलब इधर हिमाचल है या चंडीगढ़ पंजाब है, तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ? तो हम लोग इन्हों एक रीजनल हब की तरह चंडीगढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी टूरिज्म एक्टिविटी पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर वो सारिया इतों ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ? ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਾਉਂਸਲ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹਮਾਰੀ ਇਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਲ ਦ ਸਟੇਟਸ। ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਕੋ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕੋ ਧਿਆਨ ਮੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ, ਕਲਚਰ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ? ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ सिटी का ब्यूटी भी है, हमारे पार्क्स हैं, वो सारी हमारा कार्निवल है, ये एनुअल इवेंट है और इसमें हम लोग सेकंड थर्ड और फोर्थ को ये इवेंट होंगी और ये सेकंड को इनॉग्रेट किया जाएगा, उसमें सेक्टर 42 में और सेक्टर 10 की आर्ट गैलरी म्यूजियम जो है वहाँ पे ज़्यादातर इवेंट की जा रही है, उसमें मैंने डिटेल ऑलरेडी आपको आपके साथ शेयर कर दी। सर इतने क्या क्या अट्रैक्शन होंगी? डिफरेंट एक्टिविटीज़ आर देयर, आई मीन म्यूजिकल प्रोग्राम्स, नाटक एंड यू नो डिफरेंट डिटेल्स आर हैव बीन गिवन टू यू, तो पूरा शेड्यूल उसका बना के आपको दे दिया गया। चंडीगढ़ का एक ये हमारी चंडीगढ़ को शोकेस करने का एक ये इवेंट है और ये 2 साल के बाद एक फुल फ्लेज तरीके की तरह से किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसको देखते हैं। सर लास्ट 2 साल के बीच हो नहीं पाया, दिनाल नहीं हो पाया तो होने पूरी फुल फॉर्म की हो रहा है। हर साल होया करेगा, बिल्कुल बिल्कुल हर साल होएगा और पूरा इनोवेट करेंगे क्या कड़ी-कड़ियां डिफरेंट इवेंट हो कितनी जा सकती हैं वो ऑलरेडी मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के हेड। हाँ जी हाँ जी, इनू एक रीजनल हब की तरह चंडीगढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी टूरिज्म एक्टिविटी पंजाब हरियाणा हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर वो सारिया इतों ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਾਉਂਸਲ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਹਮਾਰੀ ਇਵੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਲ ਦ ਸਟੇਟਸ। ਜੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ, ਕਲਚਰ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ? ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਸਿਟੀ ਕਾ ਬਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਰਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਬਜਟ ਅਭੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਦਿ। ਇਹ ਹੈ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਬੜੀ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇਂ।